कर्नाटक में प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार जारी, कलबुर्गी में किया रोड शो। कर्नाटक के सिंधुनूर में पीएम का कांग्रेस पर हमला, बोले संकट के वक्त भी कांग्रेस और जेडीएस ने की राजनीति। कर्नाटक में सरकार बनाने का पीएम ने किया दावा, बोले पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय। पीएम बोले सिर्फ बीजेपी के पास विकास का रोड मैप, कर्नाटक को देश का नंबर एक राज्य बनाना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस की पहचान कभी सुनवाई। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जेडीएस पर एक साथ किया हमला, कहा दोनों से सावधान रहने की जरूरत। पीएम मोदी ने दोनों दलों को परिवारवादी और भ्रष्टाचारी बताया, कहा दोनों समाज को बांटने की करते हैं राजनीति। कर्नाटक में नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा पहले प्रभु राम को ताले में बंद किया, अब बजरंग बली को करने की तैयारी। पीएम मोदी ने अपर भद्रा इरिगेशन प्रोजेक्ट को कांग्रेस जेडीएस के कुशासन का प्रमाण बताया। मोदी ने बाटला हाउस एनकाउंटर का किया जिक्र, कहा आतंकियों के मारे जाने पर कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता रोई। चित्रदुर्ग रैली में पीएम मोदी का दिखा अनोखा अंदाज, ढपली बजाते नजर आए पीएम। कर्नाटक के बीटीएम लेआउट विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह का रोड शो, सांसद तेजस्वी सूर्य भी रहे मौजूद। कर्नाटक के मैसूर में अमित शाह की रैली, कहा कांग्रेस आई तो पीएफआई से बैन हटाएगी, कांग्रेस ने कर्नाटक को एटीएम बनाया था। पूर्व सीएम सिद्धारमैया पर अमित शाह का अटैक, कहा हर बार क्यों बदलनी पड़ती है। शिमोगा में राहुल गांधी ने की रैली, बोले बीजेपी की रैली में पीएम मोदी सिर्फ मोदी पर करते हैं बात, दूसरे दल विकास भ्रष्टाचार की करते हैं बात। राहुल गांधी ने पूछा सवाल, कहा बीजेपी सरकार ने 3 साल में क्या किया, लोकतंत्र को नष्ट कर चोरी की चलाई सरकार। कर्नाटक चुनाव पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले एक बार फिर से बनने जा रही है बीजेपी की सरकार। कर्नाटक में यूसीसी लागू करने के वादे पर बोले असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा, कहा सभी को मिलेंगे समान अधिकार, एनआरसी समय की जरूरत। कांग्रेस पर फडणवीस का हमला, बोले जितना पीएम को गाली देंगे उतनी बार हारेंगे। हेट स्पीच को लेकर दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मिले कांग्रेस नेता, गृहमंत्री कहते हैं कांग्रेस सत्ता में आई तो दंगे होंगे, इसका मतलब क्या है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में हो रही बयानबाजी पर इलेक्शन कमीशन ने लिया संज्ञान, आयोग ने पार्टियों से संयम बरतने के लिए कहा। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया ने किया जारी। कर्नाटक में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया, परिवार की महिला मुखिया को 2000 महीने, राज्य की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा। कर्नाटक चुनाव के कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने पीएफआई पर बैन का वादा किया, बजरंग दल पर भी बैन का वादा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का हमला, बोले जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कहा था मस्जिद बनाएंगे, अब कह रहे हैं बजरंग दल को बैन करेंगे, चुनाव में बहुत बात करते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का हमला, बोले बजरंग दल पर बैन की बात के बाद कर्नाटक में 20 सीट नहीं पाएगी कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बीजेपी का बड़ा अटैक, संबित पात्रा बोले कांग्रेस पार्टी 85% और 100% एंटी हिंदू, पिछले 50 सालों से कांग्रेस की शिक्षा नीति हिंदुओं को अपमानित करने के लिए थी। बीजेपी विधायक बीपी यतनाल का बयान, कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी ने पीएफआई का घोषणा पत्र बताया, बोले मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कर रही है कांग्रेस। शरद पवार का बड़ा ऐलान, कहा अध्यक्ष पद से हो रहा हूं रिटायर, समर्थकों से बोले शरद पवार मैं साथ में काम करूंगा, सिर्फ पद पर नहीं रहूंगा। शरद पवार के ऐलान के बाद मुंबई में जुटे समर्थक, जमकर की नारेबाजी, इस्तीफा नहीं देने की मांग। एनसीपी अध्यक्ष के लिए शरद पवार ने बनाई कमेटी, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल का नाम। अजीत पवार का बड़ा बयान, कहा एनसीपी के नए अध्यक्ष पर फैसला लेगी कमेटी। शरद पवार के फैसले पर भावुक हुए जयंत पाटिल, बोले आपको देखकर राजनीति सीखी, पवार साहब को हर फैसला लेने का अधिकार। शरद पवार से बोले छगन भुजबल, कहा इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे, देश और राज्य को आपके नेतृत्व की जरूरत। शरद पवार के फैसले पर वरिष्ठ नेताओं से बोली पत्नी प्रतिभा पवार, शरद पवार अपने फैसले पर अडिग, वापस नहीं लेंगे फैसला। संजय राउत ने कहा महाविकास अघाड़ी पर इसका कोई असर नहीं होगा, एनसीपी मतलब शरद पवार। शरद पवार से बोले प्रफुल्ल पटेल, कहा आपके फैसले से हैरान है। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद सुप्रिया सुले ने की पार्टी कार्यकर्ताओं से बात, अजीत पवार ने भी बातचीत की। एनसीपी की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष फौजिया खान का बयान, कहा एनसीपी का एक भी कार्यकर्ता पवार साहब का इस्तीफा नहीं करेगा मंजूर। शरद पवार की रिटायरमेंट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, बोले एनसीपी का अंदरूनी मामला। शरद पवार के ऐलान पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, एनसीपी में कई नेता उनकी विरासत पाने के योग्य। इंडिया टीवी के सवालों से भागे बृजभूषण शरण सिंह, जांच कमेटी में पहलवानों के दिए बयान को बताने पर भड़के सांसद। बृजभूषण सिंह ने कैमरा कराया बंद, कहा इनका नाम नोट करो और इनको दोबारा मत आने देना। जंतर मंतर पर पहलवानों ने इंडिया टीवी के इंटरव्यू का किया जिक्र, विनेश फोगाट ने कहा बृजभूषण ने अनाप शनाप आरोप लगाया, बृजभूषण की बातें सुनकर मानसिकता समझ सकते हैं। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा बृजभूषण ने इंडिया टीवी के सवालों का जवाब नहीं दिया, बोले ये कुश्ती नहीं भारत की बेटियों की लड़ाई है। बृजभूषण को विनेश फोगाट का करारा जवाब, कुछ भी कहें बृजभूषण सच सामने आएगा, खिलाड़ी नार्को टेस्ट कराने को तैयार। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया।
सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी ने एनआरसी के नाम पर किया भेदभाव, 2024 लोकसभा चुनाव में होगा बदलाव। सीएम ममता ने पीएम के मन की बात को कहा झूठ की बात, कहा बीजेपी लोगों को बेवकूफ बना रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का ममता सरकार पर बड़ा हमला, सुकांतो मजूमदार बोले ये सरकार खूनी सरकार। महाराष्ट्र में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने की राज्यपाल से मुलाकात, बारसू रिफाइनरी विरोध समेत कई मुद्दों को लेकर सौंपा ज्ञापन। आनंद मोहन सिंह की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार, आईएएस जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी का बयान, कहा यह एक अच्छा संकेत। उमा देवी का बयान, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा, सुप्रीम कोर्ट से जरूर इस केस में न्याय मिलेगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंगवार और गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर अटैक, डीडीयू हॉस्पिटल में हुई मौत। रावल गैंग के योगेश टुंडा और उसके साथियों ने किया हमला, लोहे की रॉड से पीट पीट कर हत्या कर दी। टिल्लू ताजपुरिया की हत्या पर गोल्डी बराड़ का फेसबुक पोस्ट, लिखा हमारे भाई को दीपक तीतर और योगेश टुंडा ने मारा। कनाडा में भी भगौड़ा घोषित हुआ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड गोल्डी बराड। माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर टली सुनवाई, अब 8 मई को होगी सुनवाई। माफिया अतीक की संपत्ति का आकलन करना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति की संभावना। अतीक की लगभग 70% संपत्ति दूसरों के नाम पर, महज 30% संपत्ति अतीक और उसके परिवार के नाम। गुड्डू मुस्लिम पर बड़ा खुलासा, गोवा भी गया था गुड्डू, लखनऊ के एक बिल्डर पर मदद का आरोप, 66 दिनों से फरार है, 5 लाख का इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम। मेरठ नासिक झांसी ओडिशा में भी दबिश दे चुकी है एसटीएफ। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर हमला, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले शराब घोटाले का सरगना अभी भी बाहर। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, धरने पर बैठे कार्यकर्ता, घर रेनोवेशन में 45 करोड़ खर्च पर जवाब। भगवंत मान ने अपने कैबिनेट मंत्री लालचंद कट्टारूचक का किया बचाव, अश्लील सिंह कांड के आरोपों में घिरे हैं मंत्री। सीएम भगवंत मान ने मंत्री लालचंद पर लगे आरोपों और उनके इस्तीफे को बताया निराधार। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह से मिले राजनाथ सिंह, माले में मुलाकात के बाद लिखा कई मुद्दों पर की चर्चा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फास्ट पेट्रोल वेसल लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप मालदीव को सौंपा। इंचियोन में एशियाई विकास बैंक के चीफ से मिली निर्मला सीतारमण, कई मुद्दों पर हुई बातचीत। सीबीआई ने जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के एक्स सीएमडी के ठिकाने पर मारा छापा, 20 करोड़ रुपए बरामद किए। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा गोफर्स, 3-4 मई को नहीं उड़ेंगे विमान, डीजीसीए ने जारी किया शो कॉज नोटिस। जम्मू कश्मीर में एनआईए की रेड, 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी जारी, कड़ी सुरक्षा के बीच तलाशी। जम्मू के दरवाल में पेट्रोल पंप पर धमाका, पुलिस कर रही है मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के शोपियान से आतंकी गिरफ्तार, सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकी से हथियार भी बरामद किए। नेपाल के धारचूला में बर्फीले तूफान का कहर, 8 लोग हुए लापता, आर्म पुलिस फोर्सेस मौके पर तैनात। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर ऑपरेटर केस्टल एविएशन की सेवाएं, डीजीसीए ने की बंद, स्पेशल ऑडिट शुरू। फ्रांस ग्रीस के अभ्यास में पहली बार हिस्सा ले रही है इंडियन फोर्स, पहली बार देश से बाहर एक्सरसाइज में राफेल विमान। सूडान से भारतीयों का 18वां जत्था जिद्दा पहुंचा, 135 यात्रियों की हो रही है वतन वापसी। राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान के 2 घुसपैठिए ढेर, बीएसएफ ने की कार्रवाई। मध्यप्रदेश के इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, ट्रेन ने बाइक सवारों को रौंदा, 4 लोगों की मौके पर मौत, 1 महिला घायल। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,325 नए मामले, 6,379 लोग हुए थे। देश में अभी 44,175 एक्टिव केसेस। असम के गोलाघाट में बारिश के साथ तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान। लुधियाना गैस लीक कांड को लेकर एनजीटी सख्त, एनजीटी ने 8 मेंबर्स की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, 11 लोगों की हुई मौत। असम राइफल्स ने प्रतिबंधित संगठन एनएससीएन के टाउन कमांडर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, संदिग्ध दस्तावेज और हथियार बरामद। बरेली में माफिया के खिलाफ एक्शन, थाना कैंट इलाके में गैंग लीडर रमनदीप अमनदीप अवैध प्रॉपर्टी कुर्क, कई केस दर्ज। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, स्पेशल सेल ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस बरामद, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं दोनों बदमाश। जम्मू के पुंछ में लैंडस्लाइड से मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद, रास्ता खोलने में जुटा एडमिनिस्ट्रेशन। तमिलनाडु के मदुरई में मौसम में बदलाव, भारी बारिश के बाद सड़कों पर भर गया पानी। केदारनाथ में मौसम खराब, 3 मई तक रोका गया तीर्थयात्रियों का पंजीकरण, उत्तराखंड के डीजीपी का बयान। जयपुर में योग महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों के साथ किया योग। ताजिकिस्तान में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई तीव्रता। यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा दावा, पिछले 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिक मारे गए, 80,000 घायल हो गए। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 242 और निफ्टी में 82 अंकों की उछाल। यूएस डॉलर के मुकाबले 6 पैसे कमजोर हुआ रुपया, $1 की कीमत 81.88 रुपये। और टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 होने पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने टीम इंडिया को दी बधाई। ओटीटी सेंसरशिप पर बोले अभिनेता अनुपम खेर, सिनेमा हमेशा से आसान टारगेट रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।